डियर स्टूडेंट्स नाउ वी विल रीड अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड इज़ पम्प्ड बाय द हार्ट टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी द ब्लड सर्कुलेट्स अराउंड द बॉडी थ्रू वेंस एंड आर्टरीज दीज अलोंग विद द हार्ट मेक अप द सर्कुलेट्री सिस्टम सर्कुलेट्री सिस्टम में क्या क्या चीज़ें हैं जी आपका हार्ट है वेंस है और आर्टरीज ये चीज़ें मिलकर बनाती हैं हमारा सर्कुलेट्री सिस्टम और हार्ट का क्या काम है वो ब्लड को पंप करता है पूरी बॉडी में और सर्कुलेटरी सिस्टम नाम से ही जाहिर है कि इसका काम क्या है कि ये सर्कुलेट करता है ब्लड को पूरी बॉडी में ठीक है नेक्स्ट वी हैव दी रेस्पायरेटरी सिस्टम रेस्पायरेटरी सिस्टम क्या है जी रेस्पिरेट दी रेस्पायरेटरी सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ द नोज विंड पाइप एंड लंग्स एयर इज़ पोल्ड इन टू एंड पुश्ड आउट ऑफ द बॉडी बाई दिस सिस्टम इन द लंग्स ऑक्सीजन इज़ एब्जॉर्ब इन टू द बॉडी अब सर्कुलेट ये रेस्पायरेटरी सिस्टम क्या है इसमें हमारा नोज है विंड पाइप है और लंग्स हैं हम जो ऑक्सीजन जो हम इनहेल करते हैं वो नोज से विंड पाइप में और विंड पाइप से फिर हमारे लंग्स में जाती है यानी एयर इज़ पुल्ड इन टू पोल्ड इन टू यानी जो हम इनहेल करते हैं एंड पुश्ड आउट ऑफ द बॉडी जो हम बॉडी uh, से हम जो कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं ये सारा इसी सिस्टम में होता है ठीक है इसमें uh, जो लंग्स हैं वो क्या करते हैं ऑक्सीजन को बॉडी में एब्सॉर्ब करते हैं ठीक हो गया नेक्स्ट वी हैव द नर्वस सिस्टम नर्वस सिस्टम क्या है जी द ब्रेन एंड द नर्वस फॉर्म द नर्वस सिस्टम क्या द ब्रेन एंड द नर्व्स फ्राम द नर्वस सिस्टम एंड द नर्वस इन द बॉडी रिसीव सिग्नल्स फ्राम द सेंस ऑर्गन एंड टेक मैसेज टू द ब्रेन अब हमारे नर्वस सिस्टम में है जी ब्रेन और नर्व्स ये बनाती हैं हमारा नर्वस सिस्टम और हमने ऑलरेडी वी हैव रेड अबाउट द सेंस ऑर्गन वो सेंस ऑर्गन क्या करते हैं सिग्नल्स uh, देते हैं और ये सिग्नल्स फिर इन नर्वस के जरिए हमारे ब्रेन तक जाती हैं ठीक है नेक्स्ट वी हैव द एक्सक्रीटरी सिस्टम थ्रू द एक्सक्रीटरी सिस्टम वी आर एबल टू गेट रेड ऑफ ऑल द वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ द बॉडी द लंग्स गेट रेड ऑफ वेस्ट एयर द किडनी इज गेट रेड ऑफ यूरन एंड द स्किन गेट्स रेड ऑफ स्वेट एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपके जो आप फूड खाते हो ठीक है जो अनडाइजेस्टिड फूड होता है वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीटरी सिस्टम के ज़रिए निकल जाता है ठीक है लंग्स जो हैं वो वेस्ट एयर से आ, उनको निजात मिल जाती है किडनी से हमारा जो है वो यूरन निकल जाता है और स्किन में आपने देखा होगा कि गर्मियों में हमें बहुत ज़्यादा पसीना आता है तो वो आ, निकल जाता है हमारी स्किन से और ये सारे का सारा क्या है ये सब है जी एक्सक्रीटरी सिस्टम आई होप कि आपको इससे नई इंफॉर्मेशन मिली होगी इससे आपकी वैबलरी में कुछ uh, इजाफा हुआ होगा इफ़ यू स्टिल फ़ाइंड एनी डिफ़िकल्टी प्लीज़ फ़ील फ्री टू आस्क थैंक यू अल्लाह हाफ